नमस्कार दोस्तों, केके न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हैं परेशान तो घर की इस दिशा में लगाए उगते हुए सूरज की पेंटिंग, हर मनोकामना होगी पूरी और धन की भी होगी प्राप्ति। वस्तु शास्त्र, घर प्रसाद, भवन अथवा मंदिर निर्माण करने का प्राचीन भारतीय विज्ञान है, जिसे आधुनिक समय के वैज्ञानिक आर्किटेक्चर का प्राचीन स्वरूप माना जाता है। वस्तु शास्त्र हर किसी के जीवन में विशेष महत्व रखता है, वही वस्तु के मुताबिक आसपास की चीजें वस्तु पर अपना गहरा असर छोड़ती है। ऐसे में घर की सजावट पर भी ध्यान देना जरूरी होता है, इसलिए घर की दीवारों पर लगाने के लिए ऐसी पेंटिंग का चुनाव करना चाहिए जिससे संक्रामक का संचार हो सके। घर की खुशहाली, तरक्की व सुख समृद्धि के लिए हमेशा हंसते हुए चेहरे, उगते हुए सूरज, भगवान राम, देवी माँ लक्ष्मी की तस्वीरें या पेंटिंग लगानी चाहिए। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वस्तु अनुसार घर की किस दिशा में कौन सी पेंटिंग या तस्वीर लगानी चाहिए। तो आइए जानते हैं, जिन लोगों को नौकरी कारोबार में पैसों की जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, उन्हें घर की उत्तर या पूर्व की दीवारों पर सुंदर से उगते हुए सूरज, पहाड़, झरने, फल, फूल या हरे भरे पेड़ों की तस्वीरें लगानी चाहिए। यह लाभदायक होता है, इससे तरक्की के मार्ग में खुलने के और कारोबार में नौकरी से जुड़े सभी समस्याओं से समाधान मिलता है। घर की दक्षिण, पश्चिमी और दिशा की दीवारों पर सुंदर पहाड़ और चट्टानों की तस्वीरें या पेंटिंग लगाने से मनोमंग व आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। घर की वास्तुशास्त्रों दूर होने का लिए मोर, बीड़ा, किताब, कमल, हंस, मछली आदि, इनसे किसी भी प्रकार का चित्र लगाना लाभदायक माना जाता है। जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े, कलह कलेश और चलते तनाव बन रहा है, उन्हें अपने घर की उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में फैमिली फोटो लगानी चाहिए। इससे घर के सदस्यों में चल रहा मन मुटाव दूर हो जाता है और रिश्तों में भी मिठास होने लगती है।